माँ, मैंने डॉक्टर से आपके बीपी और बैकएक के बारे में बात कर ली। अब से बहुत सारी दवाइयाँ लेनी होंगी और आप सिर्फ मुझसे ही लेंगी। तुम्हें मेरी बहुत चिंता है ना बेटा। आपको कोई डाउट था? मैंने तो तुम्हें जन्म भी नहीं दिया। माँ, जन्म आपने दिया नहीं है, लेकिन मुझे जिंदगी आपने ही दी है। मेरे लिए माँ शब्द का मतलब ही आप है। मुझे माफ कर दे। माँ प्लीज। गुस्से में ना जाने मैंने तुम्हें क्या कुछ कहा जो एक माँ को अपने बेटे को कभी नहीं कहना चाहिए। अपने अपने असली वारिस के लिए मैंने अपने असली बेटे को बहुत चोट पहुंचाई। आई एम सो सॉरी। नहीं माँ, माँ बस कीजिए प्लीज। आप बस ये दवाई लीजिए। माँ पहले मुझे माफ कर दो प्लीज। आई एम सो सॉरी। माँ का हक होता है बेटे को डांटना। आपने जो भी किया अपने हक से किया माँ, तो फिर माफी किस बात की? तुम मेरे साथ हो ना हमेशा। परफेक्ट टाइमिंग गाइस, खाना रेडी है आपके लिए। हैशटैग स्पेशल सेलिब्रेशन पिज़्ज़ा। और कुहू ने अपने हाथों से नहीं बनाया, थैंक गॉड। भाई आप लोगों ने अडॉप्शन के लिए एप्लीकेशन दे दिया, तो एक छोटा सेलिब्रेशन तो बनता है। ग्रेट। मामी और मामू माँ के साथ है ना? हाँ। और माँ? पहले से बहुत काम है। I just wish माँ मेरी बात समझ पाती यार। समझना तो दूर की बात है, आई विश वो मुझे और मिष्टी को सपोर्ट करती फॉर वन। बट एनीवे डजंट मैटर, जब तक मेरा भाई मेरे साथ है एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। भाई मैं हमेशा आपके साथ था, हूँ और रहूंगा। ऐसे भाई डेफिनेटली माँ का तरीका गलत है, लेकिन उनकी जो सोच है वो इस कंट्री की 90% लोगों की है। वाह, मीनू का मुन्ना मीनू को डिफेंड करने के लिए नए स्टैट्स लाया है। भाई मैं माँ को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा ना। सोल्यूशन है नानको, माँ को अपने आइडियाज हम पे फोर्स करना बंद करना होगा। पर भाई हम जिससे प्यार करते हैं, हम बिना वजह की जिद भी तो उसी से करते हैं ना। और मिष्टी, एडॉप्शन हो या सरोगेसी, मेन बात तो ये है ना कि भाई आप दोनों का आपका बेबी मिल जाएगा। नहीं नानको, मेन बात वो नहीं है। मेन बात ये है कि मैं माँ की जिद के आगे किसी अनजान इंसान को टॉर्चर नहीं कर सकता। पर ब्रो, वो बेबी भी तो आपका अपना होगा ना? मेडिकली हाँ, लेकिन इमोशनली तो वो उस अनजान लड़की का ही बच्चा होगा ना। हमारे घर में कोई एक हफ्ते के लिए इंसान आ जाता है ना, और जब वो जाता है तो हमें बुरा लगता है। वी मिस दैट पर्सन, राइट? नाउ इमेजिन दिस, एक औरत 9 महीने तक एक बच्चे को अपनी वूम में रखेगी। अटैचमेंट तो ऑब्वियस है ना यार। मैं उस बच्चे को अपनी माँ से अलग नहीं कर सकता। और तो और, मिष्टी ने जो सपने अपने लिए देखे वो जानती होगी कि कोई और जी रहा है। मैं मिष्टी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। आई कांट इवन इमेजिन व्हाट मिष्टी विल गो थ्रू। सॉरी भाई, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर माँ को आप बस कर मीनू के मुन्ना। आई मीन इस घर में ऑलरेडी बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हो चुकी हैं, कम से कम तुम दोनों मेरी बात समझोगे। एंड एनीवेज, अब कोई बात नहीं करेगा, नो सीरियस टॉक्स, क्योंकि मुझे अपना पिज्जा एंजॉय करना है। ना भाई मान रहे हैं ना माँ मानेंगी। मैं दोनों को खुश देखना चाहता हूँ, पर ये तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा है। क्या करूं? अब रिलैक्स कर नानको, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी इस घर में सब एक साथ है ना, तो आगे भी रहेंगे। #cheers मामा जी। मामा जी आप लोग घर जाइए, मैं माँ के पास रुकती हूँ। पर बेटा। यस यस गो टीचर। वैसे भी उस कड़क वाले सोफे पे बैठ बैठ के मेरे तो कमर भी दर्द हो रही है। क्या बोल रही हो? इट्स ओके मामा जी, मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी सो जाती हूँ, अच्छी नींद आ जाती है। कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आप लोगों को फोन करूँ। हाँ बेटा, यस ठीक है ठीक है, हम चलते हैं। चलो
जसमीत चाची, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। मैं माँ के पास रुक गई हूँ। वेरी गुड बड़बोली, यही सही मौका है। तू अपनी सास को दिखा दे कि तू मुंह बोली से कहीं ज्यादा अच्छी बहू है। पर कैसे, वो तो सो रही है। कुहू, सॉरी माँ, मेरे आने से आपकी नींद खुल गई। आपको कुछ चाहिए? बैठो। अबीर और मिष्टी कहाँ है? वो लोग तो घर चले गए, उन्होंने अडॉप्शन का प्रोसेस शुरू। सॉरी माँ, आई नो ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, पर सरोगेसी को लेकर ब्रो के अपने रीजंस हैं। वो मुझे और कुणाल को बता रहे थे, वो अपनी खुशी के लिए किसी अनजान लड़की को हर्ट नहीं करना चाहते। मतलब मैं उनकी साइड नहीं ले रही हूँ, पर उनका कहना भी तो सही है ना माँ। मिष्टी भी अपने सामने किसी और लड़की को प्रेग्नेंट होते देखेगी, वो प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस करते हुए देखेगी तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा ना माँ। ओ, मतलब अबीर की प्रॉब्लम ये है कि वो किसी अनजान लड़की को परेशान नहीं करना चाहता। यस माँ। अनजान मतलब कोई अपना हो सकता है। माँ, माँ आप यहाँ? माँ आपने मुझे फोन पे फौरन आने को कहा, सब ठीक है ना? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, अबीर तो मेरी बात सुनता ही नहीं, पर मेरा बेटा कुणाल तो मेरी बात सुनता भी है और समझता भी है। मुझे देर हो गई ये बात समझने में कि तुम जन्म से नहीं लेकिन कर्म से मेरे असली वारिस हो। माँ, आप ही सुबह सुबह की बातों में लग गए, आप रिलैक्स करिए। आप ठीक है ना तो सब कुछ ठीक है। नहीं कुणाल, सब ठीक नहीं है। अपना परिवार होना सबकी इच्छा है, अपनी औलाद होना सबकी इच्छा है, और अबीर अपनी इच्छा को दबा रहा है, अपने मन को मार रहा है। नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी भाई से बात हुई, उन्होंने बहुत सोच समझ के अडॉप्शन का फैसला लिया है। मैं जानती हूँ कि उसने अडॉप्शन का फैसला लिया है। मैं ये भी जानती हूँ कि वो किसी अजनबी लड़की को परेशान नहीं देखना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि मिष्टी की जो उसकी खुशी है, उसकी खुशी का हिस्सा कोई और बने, और रोज रोज उस खुशी को देखकर उसका दिल टूटे, वो नहीं चाहता है। कुणाल, अब जो बात मैं तुमसे कहने जा रही हूं है तो बड़ी सीधी, पर सुनने में तुम्हें अजीब लगेगी, पर प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझना, और उसके बाद ही अपना फैसला सुनाना। मैं जानती हूँ कि अडॉप्शन के लिए किसी अजनबी लड़की की मदद लेनी होगी, और मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी अजनबी लड़की का जिंदगी भर एहसान लूँ। अपनों से मदद मांगना तो हमारा हक है ना कुणाल? सॉरी, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। कुहू, कुहू तो हमारी अपनी है, मिष्टी की बहन। हाँ माँ, प्लीज साफ साफ कहिए। अजनबी की जगह कुहू मिष्टी और अबीर की मदद कर दे तो, है ना कुणाल? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।